Now you have seen people tried it. Now it's my turn. I think I'm always late. Never mind. करती तो हूँ ना. So yeah, let's start the video. Assalamualaikum beautifuls. How are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So ये है मेरा after look. I think. कैसे करना है, कैसे अचीव किया है. इफ यू वॉन्ट टू सी लेट्स स्टार्ट द वीडियो. करना कुछ यूँ है. अच्छा, मैंने ना सॉक्स नहीं ली. निशो ने जो फर्स्ट वीडियो मैंने निशो की डिटेल्ड देखी थी ना, वो उसमें उसने सॉक्स ली थी और मैंने सॉक्स नहीं ली. मैंने लिया है जी सिल्क का स्कार्फ. मेरा सिल्क का स्कार्फ है और आई हर्ड कि सिल्क के स्कार्फ से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं. सो क्या मतलब एडजस्ट कर लिया. अच्छा, इसी साथ मैं ना यहाँ पर टू पिंस भी लगाऊंगी टू मेक इट मोर सिक्योर. सो या लेट मी क्रैप दोस. अच्छा, बकायदा इसके अमेजोन पे अब तो टूल्स आ रहे हैं. एक ना जैसे फॉर्म टाइप है और उसके ऊपर सिल्क का कवर जैसे कवर किया हुआ, तो उससे बड़े अच्छे कर्ल्स आते हैं. अच्छा, मुझे ना थोड़े से टाइट कर्ल्स चाहिए थे, सो आई थॉट कि मैं स्कार्फ लेती हूँ क्योंकि उससे ज़रा ना कर्ल्स टाइट पड़ेंगे, ज़्यादा मोटे नहीं होंगे. जो सॉक्स है ना वो ज़्यादा होती हैं, थिक होती हैं, सो वो वाले कर्ल्स जल्दी डिजोल्व हो जाएंगे. सो जी, मैंने बालों को कर लिया है जी ब्रश. सारे अपने बाल जो है ना वो अपने फ्रंट पे कर लेने हैं, ठीक है. एंड माय वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माय असमा, जो असमा स्टोरीज के नाम से उनका पेज है यूट्यूब पर. आई थिंक आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, नेवर माइंड. शी ऑल्सो हैव अ चैनल और रिसेंटली शी शेयर्ड यू नो बेबी ब्लिस नाम की एक कर्लिंग रॉड है. रॉड नहीं है, आई थिंक टूल है, समथिंग लाइक दैट. एंड शी सेड इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी लेस यू नो टाइम कंज्यूमिंग. मैं यहाँ पे ब्यूटीफाई व्यायाम का स्टाइलिंग जो स्प्रे है ना वो यूज़ कर रही हूँ ताकि बाल थोड़े से डैम्प हो जाए, क्योंकि वैसे मेरे बाल ऑलरेडी डैम्प हैं, पर जो ऊपर से जो ड्राई हो गए हैं उनको दोबारा डैम्प करने के लिए. अच्छा जी, ना आई हैव सीन लॉट्स ऑफ वीडियोज व्हाट दे से कि आपने इस तरह छोटे सेक्शन लेने हैं एंड आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. और बहुत टाइटली आपने इसके लिए कवर करना है, ठीक है. अब जैसे हम ये फ्रंट पर आइए ना, ये सेक्शन, तो आपने एक और इसके साथ मिक्स करना है, इसी सेक्शन के साथ, ऐसे इन बालों के साथ, ठीक है. तो मिला कर तो आपने आप दोबारा से इसको टाइट, हैज टू बी टाइट. अच्छा, फ्रंट पे मेरे छोटे बाल हैं तो दैट वुड बी मोर ट्रिकी और पता नहीं कैसा रिजल्ट आता है. सो आई एम वेरी क्यूरियस और मैंने वाकई कहीं जाना है. जब मैं सच बताऊँ ना तो मुझे इस तरह तैयार होने का मज़ा ना व्लॉग्स में ही आता है, क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन जो घर में तैयार होकर ना, तो यू नो एक्सेप्ट द स्किन केयर स्टफ. स्किन केयर स्टफ तो मैं कर लेती हूँ, बट मेकअप करना, तैयार होना, इट इज़ अ बिग हैसल. सो मेरे लिए ये है कि मैं अब तैयार हो गई ना तो फिर चलो, दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी. तो अच्छा, अब ये जो है ना मैंने सिर्फ फ्रंट के बाल ही इसमें ऐड किए हैं. अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें से पीछे से सेक्शंस लेंगे और वो ऐड कर लेंगे. आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए. इट हैज़ टू बी रियली टाइट, सो आई एम एम्फसाइजिंग ऑन टाइटनेस. मुझे नहीं पता ये पीछे से जो कर्ल होंगे ना वो ये वाला हिस्सा छोड़ के होंगे, कैसे होंगे, आई डोंट नो. अब यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड तो करना बनता है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि जिस तरह मैं नीचे के बालों को इतना दूर से कर रही थी ना, तो वो काफ़ी ढीले हो गए थे वक्त के साथ साथ, जो जिसका डेफिनेटली अफेक्ट आया था. अच्छा, अब ये लूज कर्ल्स समझ लें या फिर इनको वेवी लुक काइंड ऑफ समझ लें, टोटल प्रॉपर कर्ल्स तो इसमें डेफिनेटली नहीं पड़ते, लेकिन ये आपको बालों को वेवी ज़रूर कर देता है कि बालों में वॉल्यूम और बाउंसीनेस ज़रूर आती है. क्योंकि वो फिर सीधी रह जाएगी. चलिए जी, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है और इंसान वही बेहतर होता है जो अपनी गलती से सीख ले और उसको दोबारा रिपीट ना करे. ये सारा इसको लपेटने के बाद टाइटली व्हाट यू नीड टू डू इज
ये जो बाल नीचे तक आ गया ना, इसको आपने खींच कर ऐसे, यो, आपने ऊपर तक लिया है। इससे क्या होगा, आपके कर्ल्स और टाइट होंगे। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं पोनी, इस तरह पोनी से इसको सिक्योर कर लिया है। ये वाली साइड भी यू नो जल्दी से हो जाएगी ऐसे, लाइक दिस। सो ये बन चुके हैं और जब मैं खोलूंगी तो फिर दिखाऊंगी आपको। सो आई विल बैक, जैसे करती ना कैसे करते हैं, वोला, यस आई एम रेडी एंड लेट्स टेक इट आउट। और आज मेरा बर्थ पता कितने दिन में तैयार हुआ, मैं सिर्फ 15 मिनट में तैयार हुई हूँ क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल नहीं बनाना था। टोटल क्या बनाना होता है, जस्ट मेकअप वीडियो एंड फन वीडियो, दैट्स इट। चलिए इसको खोलना है यहाँ से, जो काफी मुश्किल लग रहा है मुझे, तो काम मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि आई एम ऑलमोस्ट लेट एज यूजुअल ओवर टाइम। और इसको जी जल्दी से खोलते हैं, लेट्स सी के बालों में कैसे कल पड़े हैं, क्योंकि वैसे रिस्की काम भी है ना, ऑन द स्पॉट ये काम कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और शादी पे भी जा रही हूँ, अगर अच्छे ना पड़े तो फिर तो बालों का मतलब और कोई हल रह नहीं जाता। अच्छा जब ये खोल लेती है ना तो व्हाट दे डू, दे शेक शेक इट। अच्छा मैंने इसके बाद ना हेयर स्प्रे भी थोड़ा सा लगाया था, आई थिंक आई डिडंट मेंशन इट, एंड मेरे बात ज़्यादा ही टाइट है कुछ तो ये नहीं निकल रहा है। एनी हाउ हम इसको आधे देखकर निकाल लेते, वैसे भी आई हैव लॉन्ग हेयर्स, तो लॉन्ग हेयर्स का निकलना भी एक फैक्ट हो सकता है। सो बे बोलिए थोड़ा थोड़ा करके खोलते हैं और यहाँ से ये वाले को टाइट हो गया। अच्छा वैसे मेरे बाल अभी भी ना ड्राई, आई शुड हैव ब्लो ड्राइड देम, ब्लो ड्राई नहीं मैंने किए। एक साइड के खोलने में कितनी देर लगी, तो दूसरी साइड पे क्या, यस इट्स फाइनली लूसेंट। इसको खींच के खोल, खींचने से बक्कल खराब तो नहीं हो जाएंगे, आई डोंट नो, आई हैव नेवर डन दिस, आई डोंट नो, यस। नाउ देखने से तो लग रहा है कि काम थोड़ा मैसी सा हो गया, इधर से खोल लेते हैं। मेरा ना मेरे पास इसको उनको स्टाइल करने का भी टाइम नहीं है, इट्स 8:15 ऑलरेडी एंड आई हैव शुड हैव बीन देयर 8 o'clock। और बाहर आप बच्चों का शोर सुन सकते हैं, जहाँ से बच्चे हमारे घर जब आ जाते हैं ना तो यही होता है। ओके आई एम टायर्ड, सी सी लॉन्ग हेयर के नुकसान, इट्स रियली हार्ड टू स्टाइल दैट। फाइनली इट्स आउट। अच्छा अब ये वाला काम करना, ये मुझे ना मिरर देख के करना चाहिए, कैमरे में नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई हैव स्टाइल्ड देम, आई थिंक इससे ज्यादा स्टाइल नहीं हो सकता, एंड आई थिंक इट वर्क्ड। अब इट डिपेंड कि शादी पर ये कितनी देर टिकते हैं, क्योंकि लेट मी स्प्रे देम अगेन। वैसे तो 2 घंटों की बात है, 2 घंटे तक तो सही चलो जी, आई थिंक या आई थिंक इट्स गुड। सो या दिस इज माई होल वीडियो, होप यू लाइक माई वीडियो, फील लाइक देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बिफोर यू लीव यू कैन चेक आउट ऑल दीज अदर हेयर ड्यूज आई हैव ट्राइड एंड आई लाइक इट, एंड जुड़ी भी रेडी रहती है। सो थोड़ी सी क्लिप डाल दूंगी जब मैं शादी भी होंगी, सो या यू विल सी एवरीथिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़।